अरे मनोज कैसे हो यार, तुम तो बिल्कुल गायब हो गए। अरे यहीं थे भैया, और तुम बताओ कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे हमको यही बताओ कि तुम हमको यहाँ काहे बुलाए हो, और इतना भीड़ काहे है यहाँ? अरे कुछ नहीं यार, अपने भागलपुर में एक कार्यक्रम होने वाला है, यही लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कैसा कार्यक्रम? अरे वो मिस्टर और मिसेज भागलपुर, उनका फॉर्म यही मिल रहा है ना। अरे हमको यही बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रतियोगिता के चक्कर में तुम अपना मिसेज ढूंढने निकले हो? अरे नहीं यार, वो हमारी भाभी है ना, वो हमें यहाँ भेज दी कि हम और तुम्हारे भैया दोनों ही प्रतियोगिता में भाग ले लेते हैं, यही लिए हम यहाँ पर आए हैं। अरे ये सब छोड़ो, तुम फॉर्म लिए कि नहीं? पिंटू सिंह, इसीलिए तो तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हें तो पता ही है कि हम कितने शर्मीले किस्म के आदमी हैं। एक बात बताएं, तुम शर्मीले नहीं, तुम डरपोक हो। अरे फॉर्म लेने में कौन तुमसे उल्टा सीधे सवाल पूछेगा, चलो जाके फॉर्म लो, हम यही खड़े हैं। अरे जाओ। क्या बात है, मिस्टर और मिसेस भागलपुर। अरे नहीं जी, अभी कहाँ, अरे यहाँ अच्छा मैनेजर मिलना कौन सी आसान बात है। हाँ तलाश जारी है, वही तो। अरे समय भी तो नहीं है हमारे पास, वो जो आदमी पटना से आने वाला था उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अरे आपकी नजर में अगर कोई मैनेजर हो तो बताइएगा। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार, हम पिंटू, पिंटू सिंह। हमने तो आपका नाम नहीं पूछा ना। नहीं नहीं, वो कहा ना, अभी अभी आप मैनेजर रखने के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हम कह रहे थे कि देखिए अभी कुछ भी कहने सुनने का समय नहीं है हमारे पास, कल से ऑडिशन शुरू होने वाला है और अभी तक हमें नगर पालिका की तरफ से परमिशन भी नहीं मिला है, समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। सर आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो आपका पूरा काम यूं यूं कर देगा। क्या, कौन कर सकता है ये सब? वो आदमी आपके सामने खड़ा है सर।